बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सलीम हबीब स्कूल। इट्स आवर साइंस क्लास एंड टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज ऑन पेज नंबर 8। प्लीज ओपन योर बुक्स, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट आंसर्स। आपने ये MCQs हैं आपके, आपने इनके 4 आपको दिए हुए ऑप्शंस, इनमें से अपनी बेस्ट आंसर चूज करें। ओके, फर्स्ट वन इज विच ऑर्गन वर्क विद द नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स टू डिटेक्ट द वर्ल्ड अराउंड अस। वो कौन सा ऑर्गन है जो सेंस ऑर्गन के साथ मिलकर काम करते हैं और हमारे लिए जो भी चेंजिंग हो रही है उन्हें डिटेक्ट करते हैं। एंड इट्स आंसर इज ब्रेन, हमारा दिमाग, क्योंकि ये कंट्रोल सेंटर है, हर फंक्शन इसी ने कंट्रोल करना है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज द ब्रेन नीड इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली। क्या क्या चीज़ें हमें, हमारे ब्रेन को चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए? स्लीप, फूड, ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दिस। ये तीनों चीज़ें हमारे ब्रेन को क्या चाहिए अपना प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। व्हाट डज द मेडुला कंट्रोल, मेडुला क्या कंट्रोल करते हैं? हमने देखा था मेडुला के फंक्शन, मेडुला इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है लाइक डाइजेशन, ब्रीथिंग, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द स्किन। हमने स्किन की लेयर्स के नाम लर्न किए थे, उनकी डायग्राम भी की थी। आपने देखा था उसकी टॉप लेयर एपिडर्मिस थी, उसके बाद थी डर्मिस एंड फिर फैट लेयर। अंडरस्टैंड? एंड इट्स आंसर इज एपिडर्मिस। ब्रेन सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेल्स ऑफ द बॉडी बिकॉज दे डू नॉट रीग्रो, ये दोबारा ग्रो नहीं करते। अंडरस्टैंड? बाकी बॉडी के सेल्स अगर डेड हों तो दोबारा ग्रो कर जाते हैं, लेकिन ब्रेन के सेल्स एक दफा डेड हो जाए तो दोबारा ग्रो नहीं करते। अंडरस्टैंड? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मैच द डेफिनेशंस इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म्स इन कॉलम बी। कॉलम ए दिया हुआ है एंड कॉलम बी। ओके, लेट्स सी। नर्व्स विच काजेस मूवमेंट इन मसल्स, वो नर्व्स जो कि मसल्स में मूवमेंट काज करती हैं, उसका आंसर है मोटर न्यूरॉन्स। एक्चुअली ये जो कॉलम्स के आंसर्स हैं इन शफल होने चाहिए थे, लेकिन से शफल नहीं हुए, एज इट इज़ उन्होंने क्या कर दिए, अपोजिट साइड पे लिख दिए। लेकिन पेपर में जब आपको ये आएंगे तो ये शफल होके आएंगे ये आंसर्स, आपने इन्हें क्या करना है, मैच करने हैं। ओके, क्रॉस मैच करने हैं। द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंट्रोल ब्रीथिंग, वो कौन सा पार्ट है जो ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, मेडुला। अंडरस्टैंड? द नर्व्स विच कैरी मैसेजेस फ्रॉम द आईज टू द ब्रेन, वो नर्व्स जो कि आईज से मैसेजेस ब्रेन तक लेके जाती है, उनका आंसर है ऑप्टिक नर्व्स। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई इज एरीज, हमने जब आईज के पार्ट किए थे, आई के पार्ट किए थे, हमने देखा था उसका फर्स्ट पार्ट यह था एरीज। एंड फिफ्थ वन इज द पार्ट ऑफ द आई ऑन विच लेंस फोकसेस, इसका आंसर है रेटिना। रेटिना पे जाके हमारा इमेज बनता है, उस पर हमारा लेंस क्या करता है, फोकस करता है। अंडरस्टैंड? एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज द आउटर ईयर डायरेक्ट्स द साउंड टू द ईयर ड्रम, वो ईयर ड्रम की तरफ साउंड को लेके जाते हैं। नेक्स्ट, स्मेल आर डैश इन द ईयर, स्मेल आर केमिकल्स इन द ईयर, ये हमने क्वेश्चन में किया है। व्हाट आर स्मेल्स? डैश ऑन योर टंग आर सेंसिटिव टू केमिकल्स इन फूड, टेस्ट बर्ड। अंडरस्टैंड? द डैश कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड, मेडुला। अंडरस्टैंड? द फिफ्थ वन इज डैश इज अ पार्ट थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई, इसका आंसर है प्यूपल, ये जो होल होता है एरीज में, इसके थ्रू लाइट जाती है। हमने ये जब टेबल बनाया था इसके पार्ट का, उसमें ये किया था प्यूपल का फंक्शन। द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ डैश सिस्टम, नर्वस सिस्टम। डैश आर लाइक टेलीफोन वायर्स एंड लिंक ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन, नर्व्स, इसका आंसर नर्व्स भी हो सकते हैं, न्यूरॉन्स भी हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? सेम चीज है नर्व्स। द 3 मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन आर सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। अगेन देखें, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला। अंडरस्टैंड? द नर्व सेल्स नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, नर्व सेल्स जितने भी ब्रेन के सेल्स हैं, जितनी भी नर्व सेल्स हैं, उन्हें कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन नंबर 4, ऑन दिस आउटलाइन ड्राइंग ऑफ द ब्रेन कलर द 3 एरियाज एंड लेबल द फॉलोइंग, ये 3 एरियाज दिए हुए हैं, आपने इन्हें कलर करनी है। आपको पता है टॉप लेयर जो होता है वो होता है सेरिब्रम, ये जो इतना एरिया है, ये अपने से किसी ये वाले को किसी सपोज रेड कलर करने हैं। अब सेरिबेलम जो सेकंड पार्ट है, ये इस जगह होती है नीचे, आपने इसे कौन सा कलर करना है, सपोज रेड करने हैं,
ब्लू इसे रेड, और ये जो नीचे वाली ये है इसे बोलते हैं मेडुला, इसे आपने येलो कलर करना है। अपने डिफरेंट कलर्स करने हैं और इन्हें मार्क करने के, ये ऊपर वाली लेयर सेरिब्रम की है, सेकंड ये जो है सेरिबेलम की, और ये क्या है स्टेम की। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वो हमारे प्रैक्टिकल के हैं, जब आप लोग आएंगे हम लोग प्रैक्टिकली यानी करके देखेंगे, और जो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हमने चैप्टर के अंदर सारे कवर कर लिए हैं। अंडरस्टैंड, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व की है, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 8 and 9। ओके, नाउ स्टूडेंट्स योर डायरी इज़ यू हैव टू लर्न द एक्सरसाइज, आपने एक्सरसाइज के लिए सारे क्वेश्चन के आंसर्स लर्न करने हैं। ओके, इन्हें राइट डाउन नहीं करना, जस्ट आपने लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।